गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी 10वीं क्लास की 7 की प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं, जो 6 की प्रश्नावली से ही आगे का एक कदम है। तो इसके अंदर कुछ मैन सूत्र हैं, जैसे पहले तो मैंने आपको लिखा दिए थे 6 सूत्र, तो साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/ सेक थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा / कोस थीटा या 1/ कोट थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा / साइन थीटा या 1/ टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/ कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/ साइन थीटा। अब इन 6 सूत्रों से आगे 3 सूत्र और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 सूत्र, इससे सूत्र बनेंगे, इससे ही बनेंगे, इससे भी, तो वो आप सूत्र याद रख लेना या आप व्युत्पन्न भी कर सकते हो, लेकिन अपन प्रश्न में आ जाएगा तो व्युत्पन्न करने में अपना टाइम लगेगा, इसलिए अपन क्या कर सकेंगे, याद करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी इनका पक्षांतर कर लिया, ये इस साइड लिया है साइन के बराबर हो गया, साइन इस साइड लिया है कोस के बराबर, साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 - कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा बराबर में अपन लिख सकते हैं रूट 1 + टेन स्क्वायर थीटा और इसके टेन थीटा बराबर के रूप में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर रूट 1 + कोट स्क्वायर थीटा और ये कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सूत्र है 7 की प्रश्नावली, यानी 7.1 में अपने इतने ही सूत्र काम में आएंगे। तो अब इन सूत्रों पे अपन शुरुआत करते हैं 7.1 के उदाहरणों की। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 में अपन के इसके बराबर में ये सिद्ध करना है, तो अपन लेके चलेंगे LHS। LHS है कोट थीटा + टेन थीटा, कोट को लिख सकता हूं मैं कोस थीटा / साइन थीटा, टेन को साइन थीटा / कोट थीटा, दोनों का लघुत्तम साइन थीटा कोट थीटा, साइन से साइन कट गया कोस बचा कोस 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 की स्क्वायर, कोस से कोस कट गया साइन बचा तो साइन की स्क्वायर, ये अपने पास सूत्र आ गया साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1 नीचे साइन थीटा और कोस थीटा, मैं 1 के गुणा में 1 मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए फिर से सूत्र हो गया 1 - साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 - कोस थीटा सेक थीटा, ये सिद्ध करना था, ये हो गया अपना LHS। दूसरा देखिए LHS लेंगे, 1 + टेन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा का, ब्रेक 1 + b a - b दोनों पदिश रूप में है, यानी a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा 1² - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा फिर से सूत्र आ गया किसका कोस स्क्वायर थीटा का, सेक को अपन लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा गुणा में है कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 / ये अपन को सिद्ध करना, ये हो गया अपने 2 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 में देखिए इसका LHS दिया लघुत्तम आ जाएगा 1 + साइन थीटा और 1 - साइन, तो ये इससे कट जाएगा 1 - साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह ये इससे कट जाएगा तो 1 + साइन थीटा,
साइन से साइन करके ऊपर दो, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, दो बटा में सूत्र हो गया कोस स्क्वायर थीटा, दो के गुणा में एक मान लिया तो दो एक बटा कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस। चार का देखिए, इसके बराबर में ये शिफ्ट होना है, एल एच एस लीजिए उसका प्रमेयकरण कर दिए, वन प्लस कोस थीटा बटा वन माइनस कोस थीटा रूट, इसके विपरीत तो वन प्लस कोस थीटा बटा वन प्लस कोस थीटा, तो ये ऊपर तो हो जाएगा वन प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर तो आ जाएगा वन प्लस कोस थीटा रूट से हट जाएगा, नीचे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हट जाएगा, तो एक बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, अलग अलग भाग दे देंगे तो एक बटा साइन थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो एक बटा साइन किसका सूत्र होता है कोस एक थीटा का, कोस बटा साइन कोस थीटा का बराबर आर एच एस। ये सात की प्रश्नावली पूरी अपन ने जो सूत्र लिखे थे उन सूत्रों पे आधारित है, देख के अब बस अपन को सूत्र लगाना है, अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो यह प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। अब देखिए पांच का, सेक को एल एच एस ले लिया, सेक को लिख देंगे एक बटा कोस थीटा, इसको साइन बटा कोस थीटा की होल स्क्वायर है, लघुतम आ गया कोस थीटा तो एक माइनस साइन थीटा इसकी होल स्क्वायर है, तो ये ऊपर हो जाएंगे एक माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो एक माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, कोस को लिख सकता हूँ एक बटा साइन एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक की स्क्वायर कर ली कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो एक माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक माइनस साइन थीटा और एक प्लस साइन थीटा, इससे ए स्क्वायर कट जाएगी, क्या बच जाएगा एक माइनस साइन थीटा बटा एक प्लस साइन थीटा। ये देखिए लघुत्तम आ जाएगा एक प्लस कोस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दो कोस थीटा, नीचे एक प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा एक प्लस एक कितने हो जाएंगे दो प्लस दो कोस थीटा बटा एक प्लस कोस थीटा साइन थीटा, दो ले लिया कॉमन तो एक प्लस कोस थीटा, नीचे एक प्लस कोस थीटा और साइन थीटा, ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा दो गुणा एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन हो जाएगा कोस एक, ये अपने को करना था। ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर छह। अब देखिए सात का, ऊपर वाले पद से मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो एक माइनस दो साइन की स्क्वायर थीटा, नीचे से ले लिया कोस थीटा, तो दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, एक माइनस दो इसकी जगह सूत्र लगा दिया एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे सेम टू सेम साइन थीटा, एक माइनस दो प्लस दो को अंदर गुणा किया है तो दो कोस स्क्वायर थीटा, दो ये बाहर है कोस थीटा, दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, प्लस का एक माइनस का दो कितना बचेगा माइनस का एक, यानी आ जाएगा साइन थीटा दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक, नीचे कोस थीटा और दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कट गया, साइन बटा कोस हो जाएगा टेन। ये इसमें देखिए सेक की जगह एक बटा कोस ही एक बटा कोस ही, लघुत्तम कोस ए तो कोस ए प्लस एक, नीचे एक बटा कोस ए, कोस ए से कोस ए कट गया क्या आ गया एक प्लस कोस ए या कोस ए प्लस ए, आगे सिद्ध नहीं हो रहा है तो इसका क्या कर दीजिए प्रमेयकरण कर दीजिए, एक माइनस कोस ए बटा एक माइनस ए कोस ए, तो ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी तो एक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है और नीचे एक माइनस कोस ए, ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ही और नीचे हो जाएगा ए माइनस, ये हो गया अपना आठ का उदाहरण।
नौ का देखिए एल एच एस में मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको पता है कितना हो जाएगा एक, कोस स्क्वायर थीटा की जगह सूत्र लगाएंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा बराबर। ये अपन ने नौ तक के एग्जाम्पल कर लिए हैं, नौ तक के एग्जाम्पल कर लेना और इसके सूत्र याद कर लेना ताकि आगे प्रश्न थोड़े हार्ड आएंगे, तीन उदाहरण बचे हैं उसके बाद प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको सूत्र ध्यान हो तो जल्दी समझ में आ जाएगा।